सरस्वती सिंधु न्यास हॉल आदर्श नगर में जो योग कक्षा रमेश चुग और सतविंदर सिंह कुंदी द्वारा लगाई जा रही है, उसमें एक स्पेशल योग कक्षा रखी गई, जिसमें अमृतसर की 85 वर्षीय योग माता शकुंतला देवी और उनके बेटे जो कि अमृतसर पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी हैं, ने साधकों को योग आसन करवाए और योग के बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान बांटा, जिसमें प्रिंसिपल राकेश शर्मा, विनोद, आशा, शीला, कोमल टंडन, आरती जैन, जसप्रीत, कविता, उषा, रोजी, ज्योति, गुरमीत और राजविंदर ने भाग लिया, जिसके बाद रमेश चुग, सतविंदर सिंह कुंदी, पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी अजय मल्होत्रा, गुरुबख्श मदान सुधीर सक्सेना योग टीचर और जिम ट्रेनर अमरजीत बिट्टू ने आए हुए समस्त अतिथियों को सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया, जिसके बाद सभी को अल्पाहार भी करवाया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन पवन कनोजिया की रिपोर्ट। मेरा नाम शकुंतला देवी, 85 साल। कब से आप योगा करने शुरू? 15 साल हो ही गया करने। जी, पता है अपने बारे दसो की तड नाल किधर करना शुरू किया? देखो बेटा के जेड़ा ना योग, मैं रहंदी हां बंबार रहंदी हां, मैं कदे कहे डॉक्टर को कदे कहे को दवाइयां खांदे आ रहना, गोडे मेरे नहीं चलदे, तुरिया मेरे को नहीं जांदा, वो फिर टीके भी एडे एडे महंगे लवाने, तो कुछ भी ना फर्क, तो कुछ भी नहीं लगता। वो ना मैं डॉक्टर नूं आखना मैं एडे एडे महंगे टीके लानी हाँ, तो मैनू रमान नहीं लगता, आंदे ने उम्र जी इस तरह लंघी। मैं सो बहुत ही परेशान हो जानी। फिर ना मेरा राजकुमार ने तो उन्हें किसी नूं किस दस्या कि एक स्वामी आंदा है बाबा, तो उहदे नाल उह योग करदा है, तो उहदे नाल मोटे जड़े पतले हो जाते हैं, पतले जड़े ने वो ठीक ठाक हो जाते हैं, लचक बन जाती शरीर च। वो इन्हें दसिया तो अही आस्था चानन ला दिता, तो स्वामी जी आ गए आस्था चानन बच्चे, फिर वो अही वेख के ना तो सारी जी जड़े ना साढ़े बच्चे भी मेरे पोतरिया पोतरे सारे योगा करन लग पे, तो करद्या करद्या ना तो माड़ा मोटा करना, तो मैं तो दिहाड़ी 2-3 वारी दिहाड़ी करना, करद्या करद्या मेरे शरीर च लचक बन गए। मैं वे पहला कबाल बाती करद रहना, लौंग मलोंग करद रहना, फिर मैं जिस तरह स्वामी जी ने करना औखे आसन मैं वह भी करने करके ना, तो मेरिया बीमारियां सारिया निकल गई। योग करद तो मैं हो गया 15 साल। फिर मेरे ना लेंस पाए हैं अखाच, लेंस पाए हैं, तो मेरी जड़ी आ चिट्टा जहा है सी, तो मेरी रटक नहीं जाती। वो फिर मैं जदों लौंग बलोंग इस तरह करके कर लगी ना, इतना करद्या करद्या मेरी ना अखा चू जड़ी ना रड़क ये भी चल गई। वो ना डॉक्टर को प्रकाश डॉक्टर है, उन्हें ऑपरेशन किया तो रड़क मेरी जाए ना, वो ना इन्ने दारू पाने, तो उन्हें आखना कि माता भजन कर, मैं आखना रड़क तो पैंती तो भजन कितों होवे। वो जद फिर मैं लौंग लौंग कर लगी ना, योगा कर लगी, मेरी रड़क भी ठीक हो गई, तो सारिया बीमारियां मेरिया निकल गई। कबाल भाती करनी, लौंग लौंग करना, इस तरह करद्या करद्या फिर मैं सारे आसन, पहला तो नहीं हम दे मोटापा ही, वो मैं सही सही लचक अपनी बनाई, फिर करद्या करद्या मेरे सारे ही लचक बन गए। वेखो वो ऐ योग का कमाल है, ऐ कह दे दंद है, एक आ दो दंद आ गए ने, जड़े ना इतने आ माड़े माड़े चुभते हैं, अभी पूरे आए नहीं चुभते हैं। मतलब
मैं हाँ कि जो कर बुढ़े बंदे जड़े ना वो भी जवान हो जाते हैं, बुढ़िया से गुड़िया बन जाती है, बुढ़े से गुड्डा बन जाएगा, पर ये जो कर कपाल भाती कर लौंग लौंग कर सूक्ष्म है ना जोड़े आसन ने ना सही है सही है, मतलब थोड़ी थोड़ी लचक जड़ी कोशिश कर ना तो फिर लचक बन जाएगी, सारे लोग ही ठीक हो सकते हैं, तंदुरुस्त हो सकते हैं। कोई बीमार जरा इतने कोई भी बीमारी है चाहे शुगर है कोई भी है, सह चढ़ता है वह भी ठीक हो जाता है, फेफड़ियाँ पानी है वह भी ठीक हो जाता है, जड़ा मेन बोल गया हाँ ये सारिया बीमारियां जड़िया टीवी है टीवी की बीमारी वह भी ठीक हो जाती है, मतलब जे योग करे थे हर बीमारी। जब आसन करके दसे आने आसन करो माता मैं करके दसे तो उन्हें ताड़िया मारिया बड़े खुश होए कि वेखो उन्हें साढ़े दसे हो हाँ जिस तरह उन्हें दसिया उस तरह किया चलो भाई इन्हें अपन बीमारियां क्डिया तो हम लोगों की भी क्डने जे किया ही उन्होंने कहने मतलब चले हाँ जो करते हैं असं कर लगे तो आप ही ठीक हो गए, गुरु की आग्ञा बच्चे रहना चाहिए ना।